महोदय, अगर सरकारी जमीन के किसी टुकड़े पर लोगों ने घर बना लिया, वहां बस्ती बस गई, तो उसे प्रथम दृष्टया अतिक्रमण कहा जा सकता है। कानूनी प्रावधान के मुताबिक सरकार उस जमीन को खाली करा सकती है। यह मसला सतही तौर पर भले अतिक्रमण हटाने का लग सकता है, लेकिन इसके साथ कई ऐसे पहलू जुड़े हुए हैं जो सरकार को भी कठघरे में खड़ा करती है। हाल ही में उत्तराखंड के हल्द्वानी में रेलवे की जमीन खाली कराए जाने पर ये सवाल उभरे हैं कि करीब 7 दशक से बसी बस्ती को सरकार अचानक खाली कराने पहुंच जाती है, तो उसे किस हद तक उचित कहा जा सकता है। वहां इतने लंबे वक्त से लोग अगर कथित तौर पर अवैध रूप से रह रहे हैं, तो उसकी जिम्मेदारी से सरकार क्या पूरी तरह मुक्त है। फिर अगर किन्हीं परिस्थितियों में उन्हें वहां से हटाया जा रहा है, तो वहां के लोगों के प्रति सरकार की कोई जवाबदेही है या नहीं। स्वाभाविक ही सुप्रीम कोर्ट ने इस मसले पर उत्तराखंड उच्च न्यायालय के उस आदेश पर फिलहाल रोक लगा दी है, जिसके तहत हल्द्वानी में रेलवे की जमीन को खाली कराया जाना था। शीर्ष अदालत के मुताबिक सिर्फ 7 दिनों की छोटी अवधि के नोटिस में 50,000 से ज़्यादा की आबादी को अचानक ही किसी जगह से नहीं हटाया जा सकता। सवाल है कि अगर वे तमाम लोग वहां दशकों से रह रहे हैं, तो क्या संबंधित महकमों ने नियम कायदे या कानूनी स्थिति के प्रति उन्हें पहले कभी औपचारिक रूप से सूचित किया था। इतना तय है कि इतनी बड़ी आबादी वहां रातों रात नहीं बस गई होगी। अगर वहां लोगों ने जमीन खरीद कर अपने घर बनाए, तो भूखंड का सौदा करने वाले बेलोग कौन थे, और जब वहां की जमीन की खरीद फरोख्त चल रही थी, तब नियामक संस्थाएं क्या कर रही थीं। अब अगर सरकार ने अतिक्रमण के तर्क पर एक बड़ी आबादी को वहां से हटाने का फैसला कर किया भी है, तो क्या यह मानवीय प्रश्न नहीं उठता है कि पहले उसे लोगों के वैकल्पिक पुनर्वास की व्यवस्था करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि पट्टे और जमीन की नीलामी के दावों के बीच यह तथ्य है कि लोग वहां सालों से रह रहे हैं, और ऐसे में उन्हें कुछ पुनर्वास दिया जाना चाहिए। दरअसल जब सरकारी जमीन पर अवैध रूप से लोग बस रहे होते हैं, तो उसमें भूमाफिया की बड़ी भूमिका हो सकती है, जो किसी भूखंड के अवैध होने का आश्वासन देकर लोगों से मोटी रकम वसूलते हैं। स्टॉप।